Hi friends, this is Prajakta and welcome back to my channel. Today we will make this beautiful dry fruit doll. Dry fruit packing का ये बहुत ही प्यारा तरीका है। इसे आप शादी ब्याह में रुखवत के लिए या एंगेजमेंट में ड्राई फ्रूट गिफ्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसे बर्थडे गिफ्ट या रक्षाबंधन के गिफ्ट के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है। इसे बनाने की पूरी प्रोसेस मैंने डिटेल में दिखाई है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। डॉल का ड्रेस बनाने के लिए मैंने यहाँ न्यूज़पेपर लिया है। जैसे वीडियो में दिखाया है उस तरह से पेपर में फोल्ड लगाए। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के आगे जो बेल आइकॉन है उसे भी दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये देखिए, हमारे सारे फोल्ड्स हो गए हैं। अब इस पेपर पे ऊपर 1 इंच का मार्क लगाएंगे और उसे कट करेंगे। फ्रेंड्स, फ्राइडे फूड सेक्शन में मैं फूड डेकोरेशन की सीरीज लेके आई हूँ, तो इन वीडियोस को मिस ना करने के लिए मेरे चैनल पर बने रहे। ये देखिए, ये 1 इंच का जो हमने मार्क लगाया है इसे हम कट कर लेंगे। कट किए हुए पार्ट से अब हम पेपर को नापेंगे, तो ये हमारा हुआ 9.5 इंच का। अब दूसरी साइड चेक करते हैं, ये 10.5 इंच है, लेकिन ड्रेस की साइड को इक्वल रखने के लिए हम दूसरे साइड में भी 9.5 इंच का मार्क लगाएंगे। इससे एक अच्छा सा कर्व बना के कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हमें इस पेपर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमें बड़ा सर्कल मिलेगा। इसके बीच में एक कट लगाएंगे और जैसे वीडियो में बताया है वैसे ही 6 टाइम्स पेपर को फोल्ड करेंगे और इस फोल्ड को हम कट कर लेंगे। अब हमें एक कोण मिला है। इस पेपर को चार्ट पेपर पे रखेंगे और चार्ट पेपर को कट कर लेंगे। इस चार्ट पेपर को स्ट्रेंथ देने के लिए मैंने सीरियल बॉक्स का कार्डबोर्ड यूज किया है। अब इससे हम डॉल का स्कर्ट बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। मैंने यहाँ एक डॉल ली है। अब इस डॉल को पेपर का स्कर्ट पहनाएंगे। स्कर्ट को अच्छे से टाइट करके इसे ग्लू गन की मदद से स्टिक करेंगे। इसे अच्छे से टाइट करेंगे, डॉल बिल्कुल भी लूज नहीं रहनी चाहिए। ग्लू गन की जगह पे आप कोई स्ट्रॉन्ग ग्लू भी यूज कर सकते हैं। अब ये डॉल अच्छे से पैक हो गई है। ये डॉल फॉर्मली स्टैंड हो जाए इसलिए इसके लिए एक बेस बनाएंगे। कार्डबोर्ड का सर्कल लेकर उस पर डॉल को ग्लू गन की मदद से चिपका लेंगे। स्कर्ट के ऊपर और नीचे मैंने पिंक कलर का ग्लॉसी पेपर लगाया है। ये एक ऑप्शनल स्टेप है। इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। आप आपके पास जो भी लेस अवेलेबल हो वो यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ 2 लेसेस यूज की है। आप चाहे तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं।
हमारी डॉल को और उसके स्कर्ट को और डिजाइनर लुक देने के लिए मैंने नीचे भी दो लेसेस लगाए हैं। वाओ, ये कितना सुंदर स्कर्ट दिख रहा है। ड्राई फ्रूट्स पैक करने के लिए मैंने ये एक कैरी बैग लिया है। ये वो कैरी बैग है जो ग्रोसरी के साथ आता है। इसको बीच में से कट लगा के मैंने इसके दो पार्ट्स बनाए हैं और इन्हें दिए से जलाकर पैक कर लिया है। इस पैरे से कोन शेप में मनचाहे ड्राई फ्रूट्स भर के हम सारे कोन रेडी कर सकते हैं। मैंने काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट और पिस्ता भर के सारे कोन रेडी किए हैं। मुझे टोटल 13 कोन्स लगे। अब ग्लू गन की मदद से एक एक करके सारे कोन्स स्कर्ट पर स्टिक करेंगे। इसे अच्छे से स्टिक करने की वजह से ये इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। ग्लू गन की वजह से ये सारे पैकेट्स अच्छे से स्टिक हो जाएंगे। इसी तरह से हम सारे कोन्स स्टिक कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको अगर डॉल की जो स्कर्ट है उसके हाइट कम चाहिए तो आप कम भी रख सकते हैं। ये देखिए, हमारे सारे कोन्स लग के रेडी है। अब थोड़ा सा डॉल को भी डेकोरेट कर लेंगे। मैंने कुंदन और सैटिन रिबन की मदद से डॉल को थोड़ा और डेकोरेट कर लिया है और हमारी ड्राई फ्रूट डॉल बिल्कुल रेडी है। She is looking so pretty. Friends, if you like this video, please hit the like button and subscribe to my channel for more such amazing videos. Also, press the bell icon to be notified as soon as I post a new video. आज का वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।